finished. तो जैसे वृंदावन चंद्र प्रभु ने कहा कि आज बहुत विशेष दिन है, बहुत शुभ दिन है, जैसे जब भगवान कृष्णा का आविर्भाव दिन है, जैसे जन्माष्टमी है, ये कोई भी कृष्ण के अवतार, तो बहुत शुभ है इस भौतिक जगत के लिए, क्योंकि भौतिक जगत मतलब तमगुण और मतलब अज्ञान, दुख, दुखालय, मशाश्वतन, माया, तो सारे जो बद जीव है उसमें परेशान है, तो उसके लिए भगवान खुद अपनी उनका विशेष दया है कि खुद आते हैं यहाँ पर, कभी कभी खुद आते हैं और कभी कभी अपने भक्तों को या अपने पार्षदों को भेजते हैं यहाँ पर। और हेतु क्या है? हेतु है कि सारे जीवों को उदार देना, एक एकमात्र हेतु है यहाँ पर। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवान के पार्षद है और इसी हेतु से उनका आविर्भाव हुआ। तो इस प्रकार के भक्त जैसे ये है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे भक्त वो बहुत दुर्लभ है इस संसार में, इस भौतिक जगत में। जैसे ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे एक ये दो आ सकते हैं, तो ब्रह्मा का एक दिन वर्णन है भागवत गीता में कि हजार गुना ये चार युग सत्य त्रेता द्वापर और कलयुग, ये अगर जोड़ेंगे तो एक दिन हो जाएगा, बारह घंटा ब्रह्मा के। तो इस इतना समय के अंदर में ऐसा एक बात, एक इस प्रकार के बात जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे है उसी स्तर पर, उनका स्तर मतलब भगवान के पार्षद कृष्णा लीला में ये वैकुंठ से नहीं आ रहे, गोलोक वृंदावन से आ रहे। उनके बारे में वर्णन है कि नायन मंजरी, भगवान के मंजरी मतलब गोपिया के क्या बोलते हैं असिस्टेंट, चौथे लड़की रूप में वहाँ राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। और नायन मतलब ये भगवान मतलब ये दृष्टि है, वर्णन है कि ये राधा रानी के दृष्टि है भगवान कृष्ण की तरफ, वो तो मतलब उसका क्या बोलते हैं व्यक्तिगत रूप है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ है, वैकुंठ में भी ऐसा भक्त नहीं, वो लोग वृंदावन से आते हैं। तो इसीलिए अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे ये भक्ति सिद्धांत वैभाव पुस्तक से। तो आचार्यों के शिक्षा और भगवान के शिक्षा में कोई अंतर नहीं है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो भक्त भगवान के घनिष्ठ भक्त है वो सिखाते वो सेम एक ही चीज़ है जो भगवान सिखाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि एवं परंपरा प्राप्तम इमाम रजा श्रयोगिदो, कि ये परंपरा के माध्यम से दिव्य ज्ञान आता है इस संसार में, और इस प्रकार हमें स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो बोलते कि वो जो वेद है चार वेद है जो श्रुति है वही केवल वास्तविक ज्ञान है, उस बाकी जो भी कुछ है वो सब अच्छा नहीं है। परंतु जो कृष्णा खुद बोल रहे हैं, ये जब कृष्णा अपने भक्तों को शक्ति दे रहे बोलने के लिए, ज्ञान दे रहे और शक्ति दे रहे, वो एक ही चीज़ है। जैसे उदाहरण है कि कृष्णा अगर किसी को मार दिया तो मोक्ष प्राप्त किया, और अर्जुन ये भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त थे वो किसी को मार दिया तो वो भी मोक्ष प्राप्त किया कुरुक्षेत्र में। तो इस प्रकार तो विशेष हम पढ़ाई करेंगे एक ये रिवोल्यूशनरी प्रीचर, हिंदी में क्या बोलते हैं क्रांतिकारी प्रचारक, ये एक अध्याय है भक्ति सिद्धांत वैभाव में। तो
पहले हम केवल ये देखेंगे थोड़ा कि क्यों उनको आना था विशेष यहाँ पर उसी समय। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी भी हैं और गुरु भी हैं, उनका आविर्भाव उस समय भी हुआ जब इस कलयुग में हम देख रहे श्री चैतन्य महाप्रभु युग अवतार हैं कलयुग में। तो जब वापस अपने धाम में चले गए तो उस समय ये श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या बोलेंगे लुप्त हो गया एक एक तरीका से, मतलब बहुत सारे आपस संप्रदाय हो गया, संप्रदाय गुरु परंपरा चल रहा। तो उसके बाद में अलग अलग बात थोड़ा अपने हिसाब से बोलना ये पालन करना शुरू करते तो इस प्रकार बहुत सारे आपस संप्रदाय हो गया। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने कितना 12 आपस संप्रदाय का वर्णन दिया कि वो चैतन्य महाप्रभु को मानते हरे कृष्णा कीर्तन करते सब कुछ करते हैं पर तो उसके साथ और भी कुछ करते जो नहीं करना चाहिए। ये कुछ कम से कम अगर करते नहीं तो बोलते तो अलग, तो उसमें क्या है गौरंग नागरी साखी बेकी जात गोसाई बहुत सारे तो उसमें है कि बहुत अलग कुछ करते ये तोरा अलग करते। गौरंग नागरी के बारे में वर्णन है कि वो केवल एक चौथा गलती उन्होंने बोला कि कि चैतन्य महाप्रभु भी बांसुरी ही इज ऑल्सो प्ले वो बजाते बांसुरी जो वास्तव में ऐसा नहीं है और वो भी कि नादिया में वो भी जो जैसे कृष्ण रासलीला कर रहे तो महाप्रभु भी ऐसा कर रहे लाठियों के साथ जो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आचार्यों ने ऐसे कुछ वर्णन नहीं दिया तो फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर उनको आपा संप्रदाय बोला। बाकी सब कुछ करते हैं नियम पालन बहुत कुछ सही करते हैं लेकिन ये इस गलती के वजह से आपा संप्रदाय हो गया। तो तो अभी और बाकी जो आपस संप्रदाय थे जो ये वैष्णव सिद्धांतों को ये वैष्णव धर्म के नाम में पाप करते थे, जैसे कृष्ण ने रासलीला किया तो हम भी कर सकते क्योंकि हम उनके भाग थे, तो ऐसे करते करते अवैधिक स्त्री पुरुष संग नाशा और सब कुछ करते। और तो इसका इसका परिणाम हुआ कि ये वैष्णव जो धर्म है तो ये सामाजिक दृष्टिकोण में बहुत नीच हो गया, सबसे नीच, मतलब अगर कोई बोला वैष्णव तो मतलब ये तो बेकार। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा कृष्ण की शिक्षा बहुत नीच स्तर पर मतलब भौतिक दृष्टिकोण से इसमें आ गया। तो जो दिख जो शिक्षित लोग थे एजुकेटेड लोग और जो भौतिक दृष्टिकोण से हायर मतलब उच्च स्तर पर है लोग वो सब सोचते कि ये वैष्णव धर्म मतलब बेकार। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर इस उसी समय में आए थे और उन्होंने देखा कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ये उत्तम शिक्षा है। जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत का अध्ययन किया तो समझ गए कि ये उत्तम सिद्धांत है, तो उन्होंने प्रचार शुरू किया ये वापस स्थापित करने के लिए। परंतु अभी ये शुद्ध वैष्णव है वो भी भगवान के पार्षद है, फिर भी उनको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा अकेले कि इतना आपस संप्रदाय पूरा समाज में इतना गहरा में स्थापित हो गया कि वैष्णव मतलब इस प्रकार करना पाप भी करना वो भी करना। तो ये उनको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। वास्तव में श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर इतना शुद्ध भक्त है वैष्णव है अकेले पूरा पूरा दुनिया को उधार दे सकते, तो उनका विनम्र भाव कि उनको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने प्रार्थना किया भगवान जगन्नाथ से कि आप भगवान आप मुझे कोई अपना पार्षद को भेजिए कि हम कि ये स्थापित करेंगे वापस शुद्ध वैष्णव सिद्धांत ये सनातन धर्म यथारूप।
उसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया जगन्नाथ से, भगवान जगन्नाथ। हम देख सकते कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और जगन्नाथ में बहुत संबंध है। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में थे, तो वहाँ पर वास्तव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका नाम था विमला प्रसाद, उनका जन्म हुआ जगन्नाथपुरी में, उनका आविर्भाव। तो उस समय जब उनका जन्म हुआ तो यदि उनके शरीर में ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या बोलते हैं नाभिका, तो वो जनेऊ जैसा उनके शरीर पर ऐसे हुआ, बंद हुआ जन्म के समय। और एक और विशेष ये था कि जब रथ यात्रा हुआ, जैसे हर साल है रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में, तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर का घर भक्ति भवन उसी मार्ग में है, तो जगन्नाथ का रथ वहाँ ही रुक गया कितना, तीन दिन के लिए, और आगे नहीं गया, थोड़ा भी नहीं हिल गया आगे, इतना हजारों लोग हैं वहाँ, खींचते नहीं हो पाया, तो भगवान अपनी इच्छा से वहाँ रुक गया। उस समय विमला प्रसाद चौथा बालक थे शिशु, तो उनकी माँ ये शिशु को ऊपर भगवान के पास दर्शन कराने के लिए लाया, तो उन्होंने तुरंत, चौथा बालक कुछ जानते नहीं ज़्यादा ऐसा लग रहा है, लेकिन उन्होंने भगवान के चरणों की तरफ, वो भगवान को पकड़ लिया उनके चरण, तो उस समय भगवान का माला गिर गया उनके ऊपर, ऐसे भगवान ने खुद उनको माला पहनाया। तो ये विशेष कृपा है, और तब भक्ति विनोद ठाकुर समझ गया कि यही वही पार्षद है भगवान के, जिनके लिए मैंने प्रार्थना किया। तो इस प्रकार ये उनका पूरा बचपन से जीवन बहुत अद्भुत है। बचपन से बहुत बुद्धिमान, कि गीता को कितना 8 साल के उम्र पर उन्होंने पूरा सारे श्लोक याद किया। हम कितना श्लोक याद कर सकते हैं, हम प्रयास करते हैं, बारम्बार बोलते हैं, फिर भी हम याद नहीं कर पाते। परंतु उसका जो वैष्णव सिद्धांत का तात्पर्य है वो भी उनको याद था, उनको उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन भी कर पाया। तो और विशेष ये है कि वो बचपन से ब्रह्मचारी थे, नाइस्टिक ब्रह्मचारी, तो ये उनका विशेष गुण भी है। उन्होंने कहा कि अगर मैं संतान उत्पत्ति करूँगा कि हर एक संतान शुद्ध भक्त होंगे, ये भक्त बन जाएंगे, तो मैं 100 बच्चों को उत्पन्न कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये कोई ठीक नहीं है कि होगा, तो इसलिए मैं नहीं करूँ। उन्होंने एक बाद में एक क्लब भी बनाया जब वो कॉलेज में थे, तो वो उसका क्या नाम था, जिसमें नियम था कि उसी क्या बोलते हैं, इस क्लब क्या बोलते हैं हिंदी में, एक सोसाइटी संगठन, हाँ, जिसमें केवल नास्तिक ब्रह्मचारी उसमें भाग ले सकते, जैसे हम यहाँ पर कृष्ण भवन अमृत संघ सब लोग आ सकते, तो वहाँ पर केवल नास्तिक ब्रह्मचारी, तो उसका मेंबर केवल एक ही था, अरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती था, वन मेंबर। नास्तिक ब्रह्मचारी मतलब कि अपने जीवन में जो वीर्य है कभी नाच नहीं किया कभी, तो ये बहुत दुर्लभ है। तो उनका जो प्रचार था मतलब बहुत विशेष था, तो ये हम पढ़ेंगे थोड़ा, एक्चुअली मेरे पास इंग्लिश में है, तो इंग्लिश पढ़ेंगे थोड़ा, हिंदी में चर्चा करेंगे। रेवोल्यूशनरी प्रीचर, तो जिस हेतु से भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना किया कि आएंगे वापस वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करने के लिए उसी माहौल में, तो उसी भाव में उन्होंने वास्तव में प्रचार किया।
When asked if Vaishnava Dharma could be acceptable to all, Srila Saraswati Thakur replied, जब उनसे पूछा गया है कि वैष्णव धर्म सबके लिए है, तब उन्होंने उत्तर दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, There is no dharma other than Vaishnava Dharma. It is the eternal dharma of all jivas. वैष्णव धर्म से अलावा कोई धर्म नहीं है, ये नित्य धर्म है, सारे जीवों का नित्य धर्म है. Whatever else is propagated in the world as dharma is either a step toward a or a perversion of Vaishnava Dharma. जो भी उस धर्म उस इस दुनिया में धर्म के नाम में चल रहा है वो वैष्णव धर्म की तरफ अलग अलग क्रम है, नहीं तो केवल प्रवर्शन मतलब कुछ कृत्रिम है, मतलब वो है नहीं वैष्णव धर्म, कृत्रिम हो गया. There is no use in being a Christian, Muslim, Hindu, animal, bird, tree, stone, demigod, human or demon. कोई लाभ नहीं है क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू पशु पक्षी वृक्ष पत्थर देवता मनुष्य या असुर बनने के लिए कोई लाभ नहीं है हिंदू में. Let all become Vaishnava and be situated in their eternal constitutional position. सबको Vaishnava बनना है और ये अपने नित्य स्वाभाविक परिस्थिति में रहना है. This is what Sri Mahaprabhu affected when he went to South India. जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे तो उन्होंने इस प्रकार स्थापित किया. Where he loudly chanted the Lord's glories while traveling. तो वहाँ उन्होंने जोर से हरि नाम का कीर्तन किया. Chanting created many Vaishnava. उस उनकी कीर्तन से बहुत सारे वैष्णव बन गए. By his mercy, as he perambulated Jharkhand forest, even the birds, animals, trees and creepers became Vaishnavas. जब झारखंड हमें गए थे तो वहाँ पर पक्षी जानवर वृक्ष भी भक्त वैष्णव बन गए. Worshippers of Shiva and Durga, atheists, Hindus, Muslims, Buddhists, impersonalists, materialists, mental speculators, yogis, ascetics, learned, foolish, sick, healthy, all become Vaishnavas. आप समझ गए? दोबारा बताना कि कौन सब वैष्णव बन गए जो शिव जी की पूजा करते दुर्गा की, नास्तिक हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट मायावादी भौतिकवादी मनोकल्पना करने वाले योगी तपस्वी शिक्षित मूर्ख बीमारी और जिनका तबीयत ठीक है सब लोग वैष्णव बन गए. महाप्रभुस ओनली वेपन वॉज द चैंटिंग ऑफ कृष्णस होली नेम्स. चैतन्य महाप्रभु की एक अस्त्र था और यही भगवान का नाम कीर्तन. Those who became Vaishnavas in turn made others Vaishnavas. जो वैष्णव बन गए ये दूसरों को भी वैष्णव बनाया. By acting as spiritual masters under Mahaprabhu's order. महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वो गुरु बन गए. तो यहाँ पर ये हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते कि किस प्रकार शुद्ध वैष्णव धर्म से अलग कुछ है नहीं. ऐसा नहीं है कि ये भी हो सकते वो भी हो सकते हैं, ठीक है ये भी ठीक है वो भी ठीक है, नहीं वो बाकी जो शुद्ध वैष्णव नहीं है वो सब बेकार है. तो इसलिए क्रांतिक प्रचारक, लेकिन ये केवल शुरुआत है, ये हम आगे देखेंगे. ये कमेंट है गुरु महाराज का. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati appreciated daring disciples who took risk in preaching and did not hedge to compromise. He referred to conciliators as good for nothings. For in Bengali, Sader Gobar, bull's dung. This disparaging them meaning useless person.
He cautioned his disciples that a flatterer can neither be guru nor a preacher, and told them, don't speak to please the Janata, people in general, but to please Janardana, Krishna. Declare that those who do not perform Hari Bhajan are foolish and butchers in their own of their own souls. The public may not like our message, yet it is incumbent upon us to state the truth. It is our responsibility to strongly refute ideologies opposed to Vaishnava Dharma. Our previous acharyas did so to a great degree, and our only duty is to follow in their footsteps. He viewed the distinction to correct others as being the sign of a disinclination. He viewed the disinclination to correct others as being the sign of a cheater and want. तो उन्होंने कहा यहाँ पर विशेष पॉइंट है क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे आचार्यों ने ऐसा प्रचार किया कठोर सीधा और कि हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर गुरु महाराज बताया कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अप्रिशिएटेड कि उनके जो शिष्य थे कि ऐसे प्रचार भी करते थे जैसे उन्होंने किया बिना कॉम्प्रोमाइज समझौता, बिना समझौता जो उनके शिष्य भी प्रचार किया वो बहुत संतुष्ट थे, और उन्होंने कहा कि वो जो इतना कठोर जो समझौता करते थे उनके शिष्य और ऐसे जैसे लोगों को संतुष्ट करने के लिए कुछ बताया प्रचार करते थे, उन्होंने बोला ये गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग बेकार सादर गोबर, मतलब जो गोबर है गाय का वो बहुत अच्छा है लेकिन जो बैल का गोबर है वो इतना वो शुद्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये बैल का गोबर जैसे है, कोई लाभ ही नहीं, इसका कोई लाभ नहीं है। भक्त जो ऐसे प्रचार करते हैं जो समझौता कर रहे, यूजलेस पर्सन। ही कॉशन्ड, उन्होंने अपने शिष्यों को चेतावनी दिया कि फ्लैटरर, फ्लैटरर मतलब कि लोगों को बोला हाँ आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो ऐसे हैं, ये वाला ने कि कुछ शिष्य ने प्रचार किया ऐसे उनके कि वो प्रचार ऐसे हुआ उस समय जाते थे घर और प्रचार करते थे सीधा, और कुछ सेवा लेते थे मंदिर के लिए कलेक्शन, तो उस समय कुछ भक्तों का उद्देश्य था केवल कलेक्शन करना, तो उसके लिए ऐसे प्रचार करते थे कि लोग पैसा दिया। अगर अभी सीधा सिद्धांत बताएंगे यथारूप कि तुम लोग माया में है, भक्ति करना है, शुद्ध भक्ति करना है, वो सीधा बताएंगे तो पैसा नहीं देंगे, इसलिए कई बार भक्त ने ऐसे प्रचार किया कि जो पति थे तो बोला देखिए आपकी जो पत्नी है वो लक्ष्मी जैसे नहीं, वो ऐसे बताया, लेकिन बाद में सीधा बाद में कुछ और प्रचार नहीं किया कि हमें शरीर नहीं है कि जीवन भगवान की सेवा में समर्पित करना, बस केवल फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग क्या है हिंदी में? फ्लैटर मखान लगाना, मखान लगाना। तो बोल रहा कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सीधा बताना है। ऑफ कोर्स कुछ फ्लैटरिंग है, श्रील प्रभुपाद बताते प्रबोधानंद सरस्वती कि हाँ फ्लैटर, पहले फ्लैटर करना, मखान लगाना थोड़ा, और बाद में बताना कि ये जो आपको याद है, मतलब मखान इस प्रकार लगाना कि आप तो बहुत शिक्षित है, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसके बाद बोलना जो भी आप सीख गए अभी तक सब छोड़ दो, सब बेकार है, और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा स्वीकार करो। बाद में तो बताना है, लेकिन बिना बताना वो जो जो बताना है वो तब मकान लगाना अच्छा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति प्रचारक नहीं हो सकते, उन्होंने कहा, जो मकान केवल लगाते। डोंट स्पीक टू प्लीज द जनता,
जाना था। उन्होंने कहा कि ऐसे मत बोलो कि लोग संतुष्ट होंगे। जनता मतलब सामान्य लोग, केवल उनको प्रसन्न करने के लिए बोलना, ये ऐसा नहीं करना। ऐसे बोलना स्पीक टू प्लीज जनार्दना, जनार्दन, ऐसे बोलना है कि भगवान संतुष्ट होंगे। तो भगवान कैसे संतुष्ट होंगे, अगर जो भगवान ने कहा यथारूप बताएंगे आगे। तो उन्होंने कहा, डिक्लेयर द दोज हु डू नॉट परफॉर्म हरि भजन आर फुलिश एंड बुचर्स ऑफ देयर ओन सोल्स। घोषित करो कि व्यक्ति जो हरे कृष्णा या हरि भजन नहीं करते वो लोग मूर्ख है और वो अपने हाथ अपना आत्मा को हत्या करते, कसाई करते, बुचर, वो अपने हत्या अपने आत्मा की कसाई है, बुचर। तो ऐसे घोषित करना, ऐसे बोलना, कितना लोग माला नहीं करते, तो अगर ऐसे बोलेंगे तो हम लोग कसाई है अपने आत्मा का। श्रीला प्रभुपाद ने ऐसे कहा विशेष स्कूल्स के लिए, ये कसाई घर है। आज ये बोलते हैं तो लोग कैसे हो सकते, लेकिन है आत्मा को जो वास्तविक स्वाभाविक स्थिति है भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना, वो पूरा बंद कर देते, ब्लॉक कर देते। द पब्लिक मे नॉट लाइक आवर मैसेज। ये भी हम समझ सकते कि ये जो लोग हैं हमारा जो प्रचार है वो उनको पसंद नहीं होगा, ठीक है, पसंद नहीं होगा। येट इट इज इनकम्बेंट अपन अस टू स्टेट द ट्रुथ। लेकिन ये हमारा इनकम्बेंट शब्द जो है, मतलब कि ये तो हमारा जरूरी है, मतलब हमारे अंदर में है कि ये हमें सत्य को बोलना है, यथारूप बोलना है, ये हमारा कर्तव्य है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्रॉन्गली रिफ्यूज आइडियोलॉजिस्ट अपोज टू वैष्णव धर्म। ये हमारा कर्तव्य है कि जो वैष्णव धर्म से कुछ भी विरोध है उसको स्पष्ट बोलना है, यथारूप बोलना है, ये हमारा कर्तव्य है। तो पूर्व आचार्यों ने भी इस प्रकार किया, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें भी इस प्रकार करना। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया। और ये कॉमेंट है कि ही व्यूड द दिस इंक्लिनेशन टू करेक्ट अदर्स बीइंग द साइन ऑफ चीटर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अगर देखा कि कोई ये इस प्रकार प्रचार नहीं किया, दूसरे को ठीक करने के लिए कोशिश नहीं किया, वो धोखा देने वाला व्यक्ति है, चीटर है, और उन्होंने चेतावनी दिया। आगे पढ़ेंगे, डो नॉट एसोसिएट विथ सो कॉल्ड साधुस हु बाय नॉट चेस्टाइजिंग एनीवन डू नॉट एक्ट फॉर अदर्स वेलफेयर। ऐसे साधुओं के साथ संग मत कीजिए जो कभी भी किसी को गाली नहीं देते उनको ठीक करने के लिए। By associating with sadhus, the heart should become purified from sinful propensities. ऐसे वास्तविक साधु के साथ संग करने से हमारा हृदय ये जो पाप का करने का इच्छा है उससे शुद्ध होना चाहिए। The present role of sadhus acting for others mundane happiness can render no well-being whatsoever. तो प्रेजेंट साधु, प्रेजेंट रोल, आजकल उसी समय जो मतलब जो साधु थे कि वेल बीइंग ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे लोगों को संतुष्ट करना चाहते भौतिक दृष्टिकोण से, मंद इन हैप्पीनेस, लोगों को संतुष्ट करना भक्ति के नाम में, उनके इंद्रियों को संतुष्ट करना, उसका कोई लाभ नहीं है। वेल नो वेल बीइंग व्हाटसोएवर, कोई लाभ नहीं। शिला सरस्वती ठाकुर दस पर्सोनिफाई लॉर्ड चैतन्य स्टेटमेंट, निरपेक्षा नैले धर्म न याय रक्षणे, विदाउट बीइंग निरपेक्षा इम्पार्शियल अलूफ फ्रॉम पॉपुलर ओपिनियन एक्विटेबल वन कैन नॉट प्रोटेक्ट धर्म। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि व्यक्ति जो अलूफ फ्रॉम पॉपुलर ओपिनियन,
लोग जो सोचते उससे आसक्ति, उससे उसमें कोई विचार नहीं देना कि सामान्य लोग क्या बोलेंगे, उसमें कोई ध्यान नहीं देना। तो अगर ऐसे हम नहीं है तो हम प्रचार नहीं कर सकते, हम ये धर्म को रक्षा नहीं दे सकते। ये विशेष शब्द लोग क्या बोलेंगे, तो योग लोग अगर हम मौका नहीं देंगे कि माता जी दीक्षा गुरु बन जाएंगे तो क्या बोलेंगे, लोग आएंगे नहीं हमारे पास। अगर हम धोती पहनेंगे तो लोग नहीं आएंगे हमारे पास, नहीं ये हो रहा है ऐसे, तो इसीलिए हम थोड़ा ऐसे करेंगे। तो धर्म को रक्षा नहीं दे सकते ऐसे। He'll explain that nirapeksha means being unaffected by anything material and remaining steady in the Lord's service. Nirapeksha matlab ki koi bhautik चीज से प्रभावित नहीं होना, माया से बिल्कुल प्रभावित नहीं होना, और भगवान की सेवा में स्थिर रहना, स्टेडी इन द सर्विस ऑफ भगवान की सेवा में। ही हिमसेल्फ वॉज नेवर स्वेड बाय वर्ल्डली प्रेडिलेक्शंस एंड बाय हिज कमिटमेंट टू स्पीकिंग ओनली द अनबीस्ट ट्रूथ द फर्मली प्रोटेक्टेड धर्म। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कभी भी ये भौतिक दृष्टिकोण से लोगों का विचार से कभी प्रभावित नहीं थे, और उन्होंने हमेशा परम सत्य का के बारे में बात किया, प्रचार किया। इस प्रकार उन्होंने धर्म को रक्षा दिया। आगे ये भी कमेंट है, सरस्वती ठाकुर स्पोक of aggressive grace and often quoted Pashunam Lagudo Yatha, that obdurate innate rascals who cannot be persuaded by reasonable arguments deserve physical punishment as do animals. ये तो उन्होंने दोबारा, ये इसका अर्थ है Pashunam Lagudo Yatha, व्यक्ति को जिनको हम नहीं समझा सकते शास्त्रों के आधार पर, वो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको फिजिकल पनिशमेंट पशु को जैसे देना, मतलब उनको पिटाई करना चाहिए फिजिकल। तो सक्सेशन कोर्स में ध्यान लगे जो नहीं समझते, लेकिन अभी सुनिए। ऑल्दो ही नेवर एनकरेज हिज फॉलोअर्स टू एक्चुअली एडमिनिस्टर सच चेस्टाइजमेंट, वो उन्होंने ऐसे बोला क्वोट किया, लेकिन प्रैक्टिकली कभी अपने शिष्यों को ऐसे नहीं बोला कि ऐसे करो कि किसी को पिटाई करना है अगर नहीं समझ सकते, लेकिन प्रचार तो किया ऐसे। तो मतलब उन्होंने पिटाई किया आर्ग्यूमेंट से शास्त्रों के आधार पर, कठोर भाषा से। ये मैनी पीपल डीम भक्ति सिद्धांत सरस्वती अग्रेसिव triumphalism alien to the all accommodating spirit of Hinduism and unbefitting a saintly person. बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, क्योंकि ये जो अग्रेसिव प्रचार जो ऑल अकोमोडेटिंग, मतलब हिंदू के अंदर में ऐसा है कि सब ठीक है, हाँ आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, सब लोग ठीक है, आप ये पूजा करते हैं, आप ये करते हैं, जो भी मर्जी है सब ठीक है, ये हिंदू धर्म के अंदर में चल रहा है, तो ऑल अकोमोडेटिंग, जो भी सब ठीक है। तो बोलते थे कि ये, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रचार ऐसे था कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, दांत देना है, पिटाई करना है अगर आप नहीं समझ सकते, केवल शुद्ध वैष्णव धर्म है, अपना जीवन कृष्ण को समर्पित करना, और जो पहले हुआ जो हरि भजन नहीं कर रहे वो मूर्ख है, तो ये तो साधु नहीं है, साधु कैसे ऐसा बोल सकते। तो इस प्रकार लोग क्रिटिसाइज करते थे उनको, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को।
ये साधु के लिए नहीं है, वो आवश्यकता नहीं है ऐसे बोलना। हाँ, तो उससे अच्छा है, लोग बोलते थे उससे अच्छा है हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा है, ये लोग कृष्ण का नाम बोल रहे हैं, ये जो गलती कर रहे हैं वो नहीं देखना है, वो जो अच्छा कर रहे हैं वही देखना है, हर एक व्यक्ति के अंदर में जो कुछ अच्छा है वही देखना है, ये लोगों का विचार था। तो देखते हैं, तो ऑब्जेक्शंस दैट दिस अप्रोच वॉज ओवरली नेगेटिव, तो जब ये ऑब्जेक्शन कर रहे थे ये बहुत नेगेटिव है, इतना ये सब गलत है, ये सब बोलना ये तो ज़्यादा हो गया, तो ये भक्ति भी नाश हो जाएगी, एबोरेशन ऑन भक्ति एज पॉजिटिव प्रोसेस वुड बी मोर फिटिंग एंड इफेक्टिव। हाँ, केवल भक्ति में जोर देना, आप जप करो, कीर्तन करो, प्रसाद लो, और ये जो जो गलती है वो नहीं बोलना है, ऐसे बोलते थे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने हार्मोनिस्ट जो एक पत्रिका थे उसी में उन्होंने उतर दिया इस प्रकार के विचारों के बारे में। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, द पॉजिटिव मेथड बाई इट्सेल्फ इज नॉट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोपगंडा इन अ कॉन्ट्रोवर्शियल एज लाइक द प्रेजेंट। The negative method which seeks to differentiate the truth from non-truth is all, in all its forms, is even better calculated to convey the directly inconceivable significance of the absolute. तो ये जो positive method है कि ये अच्छा है जो आप कर रहे हो और ये करो ये करो, और जो negative है वो नहीं बोलना, बोलने कि ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है, वो effective नहीं है। विशेष इस कलयुग में, प्रेजेंट एज जो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसमें ये काम नहीं करेगा। नहीं, हम देख सकते हैं, हम बोलेंगे जॉब करने के लिए कीर्तन तो करेंगे लोग, लेकिन अगर नहीं बताएंगे कि ये कुछ नियम पालन भी करना, कुछ चोरना भी है, तो कौन क्या चोरेंगे अगर दबाव नहीं करेंगे, चाहे नहीं चोर सकते लोग, बहुत दिक्कत लग रहे हैं, तो बताना पड़ेगा। और ये पॉजिटिव भी है लेकिन नेगेटिव भी बताना पड़ेगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं शिला प्रभुपाद जब विदेश में प्रचार किया उस परिस्थिति में, शुरुआत में वास्तव में उन्होंने पॉजिटिव ज़्यादा बताया, कीर्तन करो, प्रसाद लो, जो भी भगवान को उस समय जगन्नाथ को पहले ही स्थापित करते थे ना, जैसे आपने कहा शिला प्रभुपाद से पहले जगन्नाथ वहाँ पहुँच गए, बाद में उसी मूर्ति चौथा मूर्ति से के अनुसार बड़ा मूर्ति भी बनाया, स्थापित किया, लेकिन जब स्थापन हुआ उस दिन तो कैसे किया, एक मोमबत्ती जलाते कीर्तन करते थे मोमबत्ती, और वो मोमबत्ती सबसे पहले श्रील प्रभुपाद अर्पण किया, और बाद में बाकी सब हिप्पी लोग जो स्नान भी नहीं किया बहुत दिनों से, जो जो धोती कुर्ता ऐसे कुछ नहीं था, बस सब लोग आया, सब अर्पण किया। तो शुरुआत में श्रील प्रभुपाद केवल ऐसे जैसे लोगों को एंगेज किया, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे ये लोग थोड़ा स्टैंडर्ड मतलब थोड़ा शुद्ध हो गया, तो मतलब उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट थे स्टैंडर्ड के बारे में, और लेकिन जब प्रवचन दिया उस समय से ऑलरेडी उन्होंने सब बताया बीच में भी कि पाप क्या है, भगवान कौन है, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में उन्हें अलग सिद्धांत बताया बाद में अलग सिद्धांत, तो एक ही था। प्रैक्टिकली उन्होंने सबको इंगेज किया शुरुआत में, लेकिन बाद में बहुत बहुत स्ट्रिक्ट, तो वहाँ थोड़ा परिस्थिति, आचार्य ऐसे कुछ कर सकते हैं, आचार्य केवल आचार्य, तो जो परिस्थिति के अनुसार कुछ एडजस्ट करते हैं टाइम बीइंग के लिए, उसी समय के लिए, बाद में जब सिचुएशन स्थिति परिस्थिति हो जाते तो पूरा स्टैंडर्ड तक आना है। तो द नेगेटिव मेथड विच सीक्स टू डिफरेंशिएट ट्रूथ, तो ये यहाँ हम देख सकते भी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो भाषा है, शब्द, वो सब ऐसे शब्द उपयोग कर रहे हैं जो जो शिक्षित अंग्रेजी लोग, ये कोई भी इंग्लिश भाषा में, ये बंगाली में, कोई भी भाषा में, ऐसे उन्होंने शब्द उपयोग किया जो एजुकेटेड लोग भी नहीं समझ सकते थे,
जैसे बहुत सारे शब्द हैं इंग्लिश में जो हम मैं नहीं समझ सकते. हाँ, हम समझ सकते कि ये लगभग ऐसे होगा, लेकिन ऐसे शब्द, क्योंकि उन्होंने जब इंग्लिश सीखने के लिए कोशिश किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ लिया, मोटे मोटे डिक्शनरी पढ़ लिया और हो गया इंग्लिश. अगर किसी को इंग्लिश सीखना है तो ये तरीका ट्राई कर सकते हैं, इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ो. तो हो पाएगा कि नहीं, ये केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कर सकते. तो कि ये जो सत्य और सत और असत को डिफ्रेंशिएट करना, वो नेगेटिव भी बताना पड़ेगा, जो गलत है वो भी बताना है, नहीं तो हम सही तरीका से सत्य को नहीं बता सकते. उसका उदाहरण है गीता में कृष्ण बताते, उसमें जो पंच विषय है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, कर्म और कल, तो वहाँ पर क्या है, भगवान बता सकते थे जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में, भक्ति के बारे में बस, लेकिन उन्होंने प्रकृति के बारे में भी बताया, जिसमें तीन गुण है, जिसमें तामोगुण भी है. उन्होंने बताया नमम दुष्कृति नव मुदा प्रपाद्यंते नराधमा, ये मायापहरिता ज्ञान असुरी भाव आश्रिता, और 16वां अध्याय में बहुत विस्तार में वर्णन दिया असुरों के बारे में. तो नेगेटिव भी बताए, कर्म जब बताते तो विकर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म भी बताते कि गलत, जो शास्त्रों से विरोध है वो भी, वो गलत है, उसका परिणाम पाप मतलब दुख होगा, और ऐसे इंद्र तृप्ति से दुख आता है, ये नेगेटिव भी भगवान ने बताया. इस प्रकार आचार्य भी ऐसे ही बताते हैं. In numerous speeches and articles, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati insisted that an actual sadhu must speak strongly. तो बहुत सारे प्रवचनों में और पुस्तकों में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया, स्थापित किया कि जो साधु है उनको स्ट्रॉन्गली प्रचार करना चाहिए. द ओनली ड्यूटी, ये अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, द ओनली ड्यूटी ऑफ साधुस इज टू कट अवे द अक्यूमुलेटेड विकेट प्रोपेंसिटीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल. ये साधु का ओनली ड्यूटी है, बोले ओनली ड्यूटी, एकमात्र कर्तव्य है साधु का कि विकेट प्रोपेंसिटीज, दोबारा ये जो पाप करने का, ये विकेट, विकेट मतलब धोखा देने का, विकेट शब्द क्या है हिंदी, दुष्ट, दुष्ट प्रवृत्ति को काटना है हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के अंदर जो है, वो सबको ऐसे ही समझाना. This alone is the causeless natural desire of all sadhus. ये सारे वास्तविक जो साधु हैं, causeless natural, स्वाभाविक, causeless, अहितुकी, yes, अहितुकी और स्वाभाविक इच्छा सारे साधुओं का है इस प्रकार प्रचार करना. Worldly persons possess a double nature. जो भौतिकतावादी है उनका डबल नेचर, दो प्रकार के स्वभाव है. दे एक्सप्रेस वन काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स बट इंटरनली चेरिश डिफरेंट पर्पस. तो जब बोलते हैं वो कुछ बोलते और कुछ बोलते और अंदर में उनका उद्देश्य कुछ अलग है. नहीं, जैसे आजकल हम देख सकते हैं, विशेष जो भौतिकतावादी लोगों से बात करते हैं, ये बिजनेस करना है, तो विशेष इस चीज़ों में लोग बोले हाँ ये करना, मैं हम आपको हेल्प करेंगे, ये करेंगे, हम सेवा कर रहे हैं. लेकिन जैसे समाज सेवा करते लोग, तो उद्देश्य है कि हम इतना लोगों को खिलाएंगे, फिर इतना लोगों को पैसा देंगे, ये करेंगे, तो लोग गरीब है, लोगों को इतना दवाई देंगे फ्री में, तो अच्छा है, लेकिन उद्देश्य है और कुछ. ये गवर्नमेंट से कुछ, सरकार से कुछ पैसा आएगा, ये नहीं तो यश आएगा, देखिए आपने कितना अच्छा किया,
ये लायंस क्लब जो है एक दूसरे को गुणगान करते कि ये व्यक्ति ने ऐसा किया, तो ये सुनने में एक इंद्रिय तृप्ति आते है, तो वो कर रहे लग रहे कि हेल्प कर रहे दूसरे लोगों को, फिर भी एक्चुअली उनका हेतु ये है कि मेरा कुछ स्वार्थ, मेरा कुछ लाभ होगा, भौतिक लाभ। तो इसको बोलते डबल नेचर, डबल मतलब दो नेचर है, एक चीज बोल रहे और अलग सोच रहे अंदर। तो इसके बारे में, मोरओवर दे वांट टू एडवर्टाइज दिस डुप्लिसिटी एज अ मार्क ऑफ लिबरेशन, लिबरलिज्म। हाँ, हम लिबरल हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, और एंड लव एंड हारमोनी, और प्रेम, हम प्रेम कर रहे लोगों को, लेकिन वो तो केवल काम वासना है, कोई प्रेम नहीं है। Those who are unwilling to show any duplicity, who desire to be frank and straightforward, or in other words, to exercise unambiguously the function of the soul, such really sincere individuals are called sectarian and orthodox by those who practice duplicity. मतलब कि भाग जो शुद्ध भाग, मतलब भाग जो straightforward, सीधा ही प्रचार करते हैं यथारूप, और अनअम्बिगुअसली, हाँ कुछ कोई कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं करते, जो यथारूप बताते हैं, ऐसे भक्तों को, ऐसे साधुओं को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सेक्टेरियन। ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी और सेक्टेरियन सांप्रदायिक, केवल ऐसे है, आप नहीं समझ सकते सब लोग, ये ऐसा है। बट ये कौन बोलते हैं, ये भौतिकतावादी लोग बोलते हैं। तो अभी क्या करना है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, वी विल कल्टिवेट द एसोसिएशन ओनली ऑफ दोज हु आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड हम केवल ऐसे लोगों के साथ संग करेंगे जो सीधे हैं, सीधे भक्तों के साथ हम संग करेंगे, जो जो ऐसे नहीं है, मतलब जो बैड कंपनी है, जो असत संग है, उसको हम अवॉइड करेंगे। बाय ऑल मीन्स वी मस्ट अवॉइड बैड कंपनी, ऐसे जैसे मतलब ये जो असत संग है उसको छोड़ना है, ऐसे जैसे जरूरी है। We are advised to keep distance of 100 cubits from animals of the horned species. तो ये उदाहरण दिया गया कि जैसे गाय है, भैंस है, या ऐसे कोई जिसका सिंह है, ऐसे जानवर से जो आपको मार सकते, तो ऐसे जानवर से बहुत दूर जाना है, 100 cubits. क्यूबिट्स ये कितना लंबा है, बहुत जाना है, दूर जाना है उनसे। तो इस प्रकार, एंड शुड ऑब्जर्व द सेम कॉशन इन रिगार्ड टू ऑल इनसिंसियर पर्सन्स, इस प्रकार लोग जो गंभीर नहीं है, जो सीधे नहीं है, इस प्रकार भी उनसे दूर रहना है, बहुत दूर। ये उदाहरण दिया। Without doubt, a sadhu's words possess power to destroy the evil propensities of one's mind. जो वास्तविक साधु है उनके शब्द में ऐसा शक्ति है कि evil, ये जो दुष्ट मनोवृत्ति है, उसको साफ कर सकते हैं मन से। In this way, sadhus benefit everyone who associate with them. इस प्रकार साधु वास्तविक लाभ दे सकते हैं दूसरे लोगों को जो उनके साथ संग करते हैं। There are many things which we do not disclose to the sadhu. बहुत सारे चीज है जो हम साधु को नहीं बताना चाहते, बताते नहीं। The real sadhu makes us speak out what we keep concealed in our hearts. वास्तविक साधु हमें ये जो हम बोलना नहीं चाहते वो भी बुलवाते, बोलना पड़ेगा, ये वो जानते भी कि हमारे अंदर में क्या है। कई बार ऐसे भी हुआ, श्रील प्रभुपाद बिना पूछना, बिना बोलना कुछ, उनको पता हुआ कि अंदर क्या है, और बहुत सारे शिष्य बताते भी कि श्रील प्रभुपाद लगे जब उनके पास में आए थे कि
कि लग रहे कृष्णा प्रभु को बिल्कुल सब कुछ पता है कि मेरे अंदर में क्या गलतियाँ हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो ये साधु का शक्ति है। He then applies the knife. Yes. तो तब साधु नाइफ को इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। The very words साधु साधु हैज नो अदर मीनिंग देन दिस। साधु का दूसरा कोई अर्थ नहीं है, ये शब्द का अर्थ कोई दूसरा नहीं है। तो ये उदाहरण दिया कि साधु कैसे कर रहे हैं। ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द ब्लॉक विद द अपलिफ्ट सैक्रिफिशियल नाइफ इन हिज हैंड। तो साधु ब्लॉक, इसका अर्थ क्या हम बोलना चाहते हैं, ब्लॉक के पास ब्लॉक उसको काटने के लिए, पशु का जो काटने का जगह है, जो बाली देते जानवर को यज्ञ में, तो उसके पास साधु चाकू के साथ रहते हैं वहाँ पर। द सेंसुअस डिजायर्स ऑफ मैन आर लाइक गोट्स। ये जो इंद्रिय भोग का जो इच्छा है वो बकरी जैसा है। The sadhu stands there to kill those desires by the merciful stroke of the keen edge of the sacrificial knife in the form of unpleasant language. हम प्रयास करेंगे इसको समझाने के लिए कि ये जो चाकू है ये साधु का unpleasant words, dart, ये जो शब्द जो मधुर नहीं है, और ये जो बकरी है वो हमारे ये दूसरे व्यक्ति का जो भौतिक इच्छा है। तो साधु ऐसे शब्द से ये सारे भौतिक इच्छाओं को मार देते, काट देते, इस प्रकार। तो ये उनकी विशेष कृपा है साधु का सैक्रिफिशियल नाइफ। इफ द साधु टर्न्स इनटू माय फ्लैटरर देन ही डज मी हार्म। अगर साधु मुझे केवल माखन लगाते तो वो मुझे बहुत परेशान करते हैं एक्चुअली वास्तव में। ही बिकम्स माई एनिमी, वो मेरे शत्रु हो गया। अगर साधु बोले आप तो बहुत अच्छा है केवल ऐसे कुछ गलत नहीं बताते कि आप गलती कर रहे, तो ये मेरा शत्रु हो गया। इफ ही फ्लैटर्स अस वी विल बी लेड टू द रोड विच ब्रिंग्स वर्ल्डली एंजॉयमेंट बट नो फैक्चुअल वेल बींग। हम केवल ऐसे मार्ग में जाएंगे जिसमें भौतिक इंद्र भोग प्राप्त करेंगे परंतु कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। ही इज अ साधु बाय कॉन्टेक्ट विथ हुम द वेपन ऑफ हिज वर्ड्स कैन कॉज वन टू गिव अप ऑल मिसचीवियस बिहेवियर, ऑल अटैचमेंट्स टू द नॉन एब्सोल्यूट एंड ऑल इमेजिन कॉन्सेप्शंस। ओ वास्तविक साधु है जो मिसचीवियस बिहेवियर, जो गलत आचरण, आसक्ति और अलग अलग प्रकार के जो मनोकल्पना है उससे हमें मुक्ति दे सकते, उससे निकाल कर सकते। द एग्रेसिव प्रोनाउंसमेंट ऑफ द कॉन्क्रीट ट्रूथ इज द क्राइंग नेसेसिटी ऑफ द मोमेंट। फॉर साइलेंसिंग द एग्रेसिव प्रोपागंडा ऑफ स्पेसिफिक अनट्रूथ्स दैट इज बीइंग स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये महत्वपूर्ण कोट है कि अग्रेसिव प्रोनाउंसमेंट ऑफ द कॉन्क्रीट ट्रूथ, जो वास्तविक सत्य है उसका एग्रेसिव प्रोनाउंसमेंट, एग्रेसिव मतलब गुस्सा के साथ, गुस्सा के साथ उसका उच्चारण करना, क्राइंग नेसेसिटी ऑफ द मोमेंट, इसका अर्थ है क्राइंग नेसेसिटी मतलब जब हम इतना परेशान है कि हम रोते कि अभी इतना समस्या हो गया कि अभी व्यक्ति रोने लगा, जैसे छोटा बच्चा है तो कुछ परेशान है तो रोते हैं, क्राइंग नेसेसिटी, इतना जरूरी है, ऐसे कठोर भाषा में प्रचार करना इस समय कि इसको जरूरी है करना। और क्यों करना, फॉर साइलेंसिंग द एग्रेसिव प्रोपेगेंडा ऑफ स्पेसिफिक अंतरूच। ये जो माया है और आजकल जो प्रचार हो रहा है,
तो वो भी एग्रेसिव है ना, हम देख सकते हैं। हम जाएंगे बाहर तो बिलबोर्ड्स ये है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब माया इतना अटैक कर, इतना एग्रेसिव है कि आपको करना ही करना है इंद्रिय भोग, आपको पाप करना ही है। आजकल ऐसे प्रचार करते हैं, पूरा पूरा माहौल ऐसे, इतना अग्रेसिव, इतना दबाव है, इतना प्रेशर है। तो इसीलिए जोर से बोलना पड़ेगा और थोड़ा क्या है जो जुस्स बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, माया प्रभावित करेंगे। अगर हम समाज के अनुसार, इसके अनुसार भी प्रचार करेंगे तो जाएंगे फ्लो के साथ नरक की तरफ। तो एक दूसरा उदाहरण ऐसा है, जब हम तैरते, अगर हम तैरते उसमें नदी में, तो फ्लो के विरोध जाना है। प्रचार मतलब ऐसा है, वो पानी इस तरफ जा रहे लेकिन हम उल्टा तैरते हैं, बहुत कठिन है कई बार। तो इसी में बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना है। तो इस भाव, इसी इस प्रकार अगर हम मेहनत नहीं करेंगे वहाँ जोर से, तो हम फ्लो के साथ जाएंगे। तो अगर हम इस समाज में जो अभी प्रचार हो रहे हैं इसके विरोध नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे शास्त्रों के अनुसार, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार, तो हम माया की फ्लो में जाएंगे आराम से, आराम से नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत ये विदाउट समय समाप्त हैं, ओके। जस्ट एक और यहाँ बहुत सारे कोट्स हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक भक्ति विनोद ठाकुर का कोट है, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया वास्तव में भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। Siddhanta Saraswati had been encouraged and blessed by Sri Bhakti Vinod Thakur with the potency to go on speaking in that unrestrained manner. Vastav mein Bhakti Vinod Thakur ne ye aashirwad diya Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ko. So Sri Bhakti Vinod Thakur ne kaha, you will be undefeated everywhere in presenting Vaishnava Siddhanta. Aapko koi parajit nahi kar payenge jab aap prachar karenge Vaishnava Siddhanta mein. If in propagating the straightforward, unbeset truth, the entire anti-devotional, misguided, self-interested community unties to attack you, still no one will be able to muzzle your fearless voice. Agar ye jo bhakti ke naam mein chal raha hai, alag alag sanstha, alag alag apas sampraday, agar sab log milke जब आप प्रचार कर रहे हैं, जब सब आप लोग मिलके आपको वो आपके विरोध जाएंगे, तो आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकते। नो वन विल बी, जो आप बोलेंगे तो वो कोई भी विरोध नहीं कर पाएंगे। नेवर डिसिस्ट फ्रॉम प्रीचिंग द ट्रूथ, सत्य परम सत्य प्रचार करने से अलावा, मतलब वो कभी भी बंद नहीं करना। तो इस प्रकार उन्होंने उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया भक्ति विनोद ठाकुर से। इसीलिए उसी समाज में, उसी समाज तब संभव था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस प्रचार के माध्यम से ये जो अभी शिला प्रभुपाद हमें दिया शुद्ध वैष्णव सिद्धांत, ये संभव उन्हीं की कृपा से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से। लेकिन जब उन्होंने प्रचार किया तो उस समय इसके वजह से बहुत सात लोग उनके शत्रु बन गए। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मारने के लिए भी कोशिश हुआ, तो जब वृंदावन गए थे अपने शिष्यों के साथ यात्रा के लिए, बहुत सारे मंदिर बंद हो गया कि उनको और उनके शिष्यों को अंदर में अनुमति नहीं हुआ, और व्यवस्था हुआ कि भक्तों में पत्र भी फेंकते थे ऐसा, क्योंकि उन्होंने जो प्रचार किया, और विशेष उस ये वो कारण भी था कि उन्होंने जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया, फिर भी उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा दिया भक्तों को,
क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये गुणा कर्मा विभाग है, जिनके अंदर में गुण है, ब्राह्मण के गुण और इस प्रकार का कार्य कर रहे, कर्म कर रहे, तो ब्राह्मण है। लेकिन वहाँ वृंदावन में लोग नहीं मानते थे, वहाँ क्या है गोस्वामी, जाति गोस्वामी जो है वो उनका विचार था कि हम ही केवल दीक्षा और गुरु हम ही कर सकते, ये काम हम ही कर सकते, तो इतना विरोध हुआ, इतना कठिन हुआ। तो उन्हीं की कृपा से हमारा मतलब हम ये यथारूप ज्ञान प्राप्त किया। और उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आज्ञा दिया श्रील प्रभुपाद को कि पाश्चात्य देशों में प्रचार करना है, उन्होंने शक्ति दिया, मतलब आज्ञा में शक्ति भी है, तो इसीलिए उन्हीं की कृपा से हम यहाँ हैं। हम विदेशी लोग भी और यहाँ भी भारत में भी अगर ये ऐसे प्रचार नहीं हुआ तो संभव नहीं है कि हम मतलब इस मार्ग में आएंगे। हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो भक्ति करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं, लेकिन सब कुछ उल्टा सीधा है। एक व्यक्ति आया कुछ दिन पहले वहाँ भोपाल, तो बोल रहे हाँ ये मार्ग है, राम मार्ग है, कृष्ण मार्ग है, दुर्गा मार्ग, शिव जी मार्ग, लेकिन परम सत्य मतलब शिव, तो बहुत दृढ़ता के साथ बताया। तो बहुत एजुकेटेड व्यक्ति है और बहुत कुछ पढ़ाई किया शास्त्रों में, लेकिन ऐसे ही बोल रहे। तो हम देख सकते हैं भारत में कैसे लोग मिस गाइडेड हैं। ये तो ऐसे आचार्य को बाद में ऐसे व्यक्ति को समझाना है, तो अगर व्यक्ति सोच रहे कि मैं जानता हूँ रे, तो मतलब जो बाग जो प्रचार करे तो उनको बहुत दृढ़ता से बहुत समझाना पड़ेगा, थोड़ा जोर से भी बोलना पड़ेगा कई बार, तो वो समझ पाए। तो ये भक्ति सिद्धांत सिद्धांत वैभाव सबको पढ़ना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे उनके जीवनी के बारे में, उनके शिक्षाओं के बारे में वर्णन है, और उससे हम बहुत प्रेरणा मिल सकते हैं कि हम भी गंभीरता से प्रचार करेंगे, अभ्यास भी करेंगे, पालन करेंगे सारे वो जो नियम है। तो आज हम विशेष प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हम इसी 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 मूड समझ पाएंगे और हमें शक्ति आएगी प्रचार के लिए और पालन के लिए और ब्रह्मचर्यों का पालन करने के लिए, उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। अभी मैं समाप्त करूँगा, अगर किसी का कुछ टिप्पणी है, कुछ क्वेश्चन है, बहुत कुछ बोल सकते हैं, तो केवल ऐसे गुरु महाराज ने कहा जो उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ ने लिखा, जिसका कितना 24 साल रिसर्च किया और इतना समय लगा ये भक्ति सिद्धांत वैभाव लिखना, उनने कहा कि ये केवल इंट्रोडक्शन है। उनने कहा कि बहुत लिख सकते हैं उनके बारे में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है कि हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम बोल नहीं सकते, हम ऐसे आचार्यों का गुणगान वास्तव में अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन हमारा शुद्धि कारण के लिए हम ये कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है। तो जैसे कृष्ण का गुणगान हम सही से नहीं कर सकते, लेकिन करने से हम हमारा ही प्रगति हो सकते। कुछ प्रभु ठीक है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती आविर्भाव महामहोत्सव की जाए। श्रील प्रभुपाद की जाए।